गाजा और हमास में युद्ध विराम के बीच वेस्ट बैंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल की डिफेंस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें रोकने के लिए रबड़ की गोलियां तक चलाई गईं। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। आंसू गैस के गोले छोड़ने के अलावा आपको बता दें कि रबड़ की गोलियां भी उन लोगों पर चलाई गई। इसराइल की कैद से फिलिस्तीनियों की रिहाई के वक्त जेल के बाहर बने तनावपूर्ण हालात में कुछ लोग घायल हो गए। लोग यहां अपने परिवार वालों की रिहाई को लेकर पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा हो गई जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए इसराइल की सेना को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके चलते वहां मौजूद कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।